हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले, एक दिन में कोरोना के 1881 नए मामले, गुरुग्राम में कोरोना के 224 नए मामले और मूर्थल के सुखदेव ढाबे से जो कोरोना बम फूटा है उसकी वजह से अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं पूरे प्रशासन को लेकर के कि आखिर कैसे जो गाइडलाइंस थी उनकी अनदेखी हुई है। सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़े हर रोज नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के कहर से कोई भी सुरक्षित नहीं है। सूबे के मुखिया खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद वो गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। राज्य में गुरुवार को जारी किए गए कोरोना के नए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 1881 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 19 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 224 नए मामले सामने आए। इसी तरह सोनीपत में 190, पानीपत और पंचकुला में 128 मामले, फरीदाबाद में 150, करनाल में 112, कुरुक्षेत्र में 100 नए मामले सामने आए। हालांकि इलाज के बाद 24 घंटे में 1014 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उधर कोरोना का कहर सोनीपत स्थित मूर्थल के सुखदेव ढाबे पर पड़ा। कोरोना जांच के दौरान यहां के 65 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही गरम धर्म ढाबे के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। सुखदेव और गरम धर्म ढाबे के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में है। दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले कई दिनों में इन ढाबों पर खाना खाया और ढाबा कर्मचारियों के संपर्क में आए। साथ ही अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इन ढाबों में आए लोगों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि सुखदेव ढाबे पर हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हजारों लोग हर रोज खाना खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।